दिल्ली में कट्टर भ्रष्टाचारियों का खेल देख रहे हैं। द्वारिका की रैली, पीएम मोदी आप पर हमला। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के द्वारिका में आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए इंडिया अलायंस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इंडिकन अलायंस आज देश में फैली हर बुराई का प्रतीक है। इंडी गठबंधन के जितने लोग हैं उनमें तीन चीजें समान है, सांप्रदायिक घोर जातिवाद, घोर परिवारवाद। दिल्ली संप्रदाय की गवाह है, क्या कुछ बोले प्रधानमंत्री जी, आप भी सुनिए। नमस्कार, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दिल्ली का मूड क्या है ये देश देख रहा है। अब तक 400 से ज्यादा सीटों का मतदान हो चुका है। पांच चरणों ने बीजेपी एनडीए की मजबूत सरकार पक्की कर दी है। देश भी समझ रहा है कि इंडी वालों को अगर गलती से भी कोई वोट पड़ गया तो वोट देश के लिए किसी काम आने वाला नहीं है। जबकि बीजेपी को दिया हर वोट विकसित भारत का संकल्प मजबूत करेगा, और इसलिए ये विशाल जनसागर भी एक स्वर से कह रहा है, फिर एक बार। भाइयों और बहनों, आजादी के बाद पहली बार भारत के लोगों ने स्पष्ट रूप से कांग्रेस मॉडल और भाजपा मॉडल का फर्क देखा है। मैं देख रहा हूं कि शायद जगह कम पड़ गई है, इसलिए मेरी आप सबसे एक प्रार्थना है, ये हाथ में जो बोर्ड वगैरह लेकर के आए हैं अगर नीचे रख देंगे तो पीछे वाले देख पाएंगे। आप मुझे दिखा रहे हैं, मैंने देख लिया, अब नीचे रखिएगा तो अच्छा होगा। ये कुछ सुनते हैं क्या वहां वाले? अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं बोलना शुरू करूं। मेरी आपसे प्रार्थना है, ये मैडम आप नीचे रख सकती हो, मैडम आप नीचे रख सकती हो उसको, मैं आपको कह रहा हूं।
अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं अपना बोलना शुरू करूं। इजाजत है? मुझे लगता नहीं है। अगर आपकी इजाजत है तो मैं बोलना शुरू करूं। आपका ये प्यार, आपका ये उत्साह मेरे सर आंखों पर, लेकिन कम से कम मुझे तो बोलने तो दीजिए। साथियों, देश ने कांग्रेस का मॉडल और बीजेपी का सरकार का मॉडल, दोनों में फर्क साफ है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों को ना आगे का सोचने की फुर्सत है, ना आगे का सोचने की क्षमता है, न ही उनको हमारे संसाधनों का उचित उपयोग करने की आदत है, न ही उनको अपनी गति तेज करने की, रफ्तार तेज करने की क्षमता है। इन लोगों ने 60 साल तक भारत के सामर्थ्य के साथ अन्याय किया है, और मैं कहूंगा इन लोगों ने आपराधिक कृत्य किया है। 140 करोड़ का इतना बड़ा देश भारत को जो स्पीड चाहिए, भारत को जो स्केल चाहिए, वह एकमात्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही दे सकती है। अगर आप में रुचि हो तो मैं आज दिल्ली की जनता के माध्यम से देश के सामने ठोस आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप भी अगर उसको नोट कर लेंगे, याद करेंगे और किसी से भी चर्चा करेंगे तो उसको भी अजरत लगेगा कि इतना बड़ा देश के साथ अन्याय किया इन लोगों ने। मैं एक के बाद एक आज आपको बताना चाहता हूं।